बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा यूनिट चल रही है, कौन सी 14, ठीक है, बायोमोलिक्यूल। उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। इससे पहले की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स की हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में विटामिन डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना भी है आपको। एक्चुअल में जो विटामिन है वो है क्या, देखो यहाँ पर अगर हम इस वर्ड को बिल्कुल ब्रेक करते हैं तो ये वाइटल प्लस एमाइन से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाइटा वर्ड है इसका मीनिंग होता है लाइफ, ठीक है, यानी कि लाइफ के लिए जो असेंशियल है, जो रिक्वायर्ड है, उसी को ही आप विटामिन बोलोगे। और अमाइन जो है ये अमाइन ग्रुप से लिया हुआ है, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी विटामिन होते हैं उनमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि विटामिन जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखो। अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल विच इज रिक्वायर्ड इन लेस या स्मॉल अमाउंट फॉर आवर बॉडी, उसी को आप क्या बोलोगे, विटामिन, ठीक है। इनकी सिर्फ स्मॉल अमाउंट चाहिए हमें, लार्जर नहीं चाहिए। और अगर ये स्मॉल अमाउंट भी हमें नहीं मिलती है तो फिर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी फिर डेफिशिएंसी से। तो विटामिन की डेफिशिएंसी वाले डिजीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको इतना समझ आ गया होगा कि विटामिन है क्या। एक्चुअल बायोमोलिक्यूल का ऐसा ग्रुप है, या हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। अब मेन बात आती है कि जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स के लिए जो बिल्डिंग वर्ल्ड्स जो होते हैं, यानी कि हम कहें टिश्यूज, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। विटामिन्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, हमारी सेल्स को की फॉर्मेशन में भी हेल्प नहीं करता है। ये सिर्फ हमारी गुड हेल्थ के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमारी हेल्थ को गुड रखने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए क्या है, ये जरूरी होता है, ठीक है। अब जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं है, हमारी बॉडी में ये बिल्कुल नहीं बनते। ये कहाँ बनते हैं, प्लांट्स के अंदर बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन ए है वो बन जाता है, और जो विटामिन के होता है वो भी बनता है, ठीक है। बट सारे विटामिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें बाहर से इन डाइट फॉर्म लेना होता है, ठीक है। तो मैंने अभी बोला कि ये प्लांट्स के अंदर ऑलमोस्ट सभी प्रेजेंट होते हैं सारे विटामिन, इसीलिए आप प्लांट्स से इनको ले सकते हो। तो अगर हम बात करें विटामिन के सोर्स की, यानी कि हमें विटामिन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो बन नहीं रहा है, हमें तो बाहर डाइट से लेना है, तो हम ऐसी क्या क्या चीजें खाएं कि वहां से हमें विटामिन मिल सके। तो विटामिन जो है वो ज्यादातर मिलते हैं, देखो, एक तो मिल्क में, ठीक है, या फिर पनीर आप खाते हो, चीज खाते हो, या हम बात करें जैसे कि एग्स है, ठीक है, अंडे सभी खाते हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो एग में बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं, या हम बात करें फिश की, या फिर हम बात करें मीट की, तो इनमें भी विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है, सफिशियंट अमाउंट में है, हमारी बॉडी को इतना ही चाहिए। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला प्लांट्स से हमें कैसे मिलेगा, तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है। तो विटामिन जो है वो इन सभी में प्रेजेंट है। तो जब मैं टाइप्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये वाला विटामिन इसका ये सोर्स है, ठीक है, जनरली सारे सोर्स वही आएंगे, मोस्टली आपको मिल्क मिलेगा, फिश मिलेगा, एग मिलेगा, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल तो है ही है, तो मोस्टली आपको वही मिलेंगे। तो विटामिन्स के सोर्स आपको समझ में आ गया होगा, हमारी बॉडी के लिए ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन बात आती है कि जो विटामिन्स होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के आ जाता है,
ठीक है। तो टाइप्स जो है वो अच्छे से देखना बच्चों, टाइप्स जो है इनके दो होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन और एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, ठीक है। सेकंड होते हैं फैट सॉल्यूबल, ओके। अब देखो वाटर सॉल्यूबल कौन से हैं, फैट सॉल्यूबल कौन से हैं, तो जो भी विटामिन्स वाटर के अंदर सॉल्यूबल होंगे वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन होंगे। अब कौन कौन से होते हैं, तो जो विटामिन, देखो एक बार मैं पहले आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें बहुत ही विटामिन बी के टाइप्स होते हैं, जैसे बी वन है, बी टू है, बी सिक्स है, बी ट्वेल्व है, ये पूरा एक बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। विटामिन सी आएगा, विटामिन डी आएगा, विटामिन के आएगा और विटामिन एच आएगा, तो ये सारे विटामिन्स होते हैं। अब इनको भी क्लासिफाई कर दिया वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल, तो जो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे उनको हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन बोलेंगे। तो इनमें आते कौन है, इनमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने बता दिया आपको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, इसमें बी वन, बी टू, बी सिक्स, बी ट्वेल्व, बी फाइव ये प्रेजेंट होते हैं। एंड जो विटामिन सी है, ये दोनों क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। अब इनके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो क्या कि जो वाटर सॉल्यूबल है, तो आपको इतना पता होगा कि हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम यूरिन सिक्रेट होता है ना। अब यूरिन भी क्या है, वाटर लाइक ही है, यानी कि ये बी और सी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू, यूरिन में सॉल्यूबल होके यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्टोर नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फैट सॉल्यूबल, ये सारे ऑयली सब्सटेंस होते हैं, ऑयली सब्सटेंस जो है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। आपको पता है अगर ऑयल को आप वाटर के अंदर सॉल्यूबल करके देखोगे तो क्या ये सॉल्यूबल होगा, नहीं। तो ये ऑयली सब्सटेंस है, ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फैट सॉल्यूबल है, और ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, आप याद रख सकते हो आराम से। बी सी ऐसा एक कोड बना लो, बी सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है और ई डी ई के क्या है, आपका फैट सॉल्यूबल है। अब इनमें एक विटामिन रह गया, कौन सा, विटामिन एच। अब ये जो विटामिन एच होता है ये क्या है, इसको हम नेम देते हैं बायोटीन, ठीक है। इनके नेम भी आगे आप पढ़ोगे सारे। जो विटामिन एच है वो वाटर एंड फैट दोनों में ही सॉल्यूबल नहीं होता बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने हैं तो उनमें आ सकता है। विटामिन एच कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर एंड फैट, ठीक है। वाटर के अंदर भी डिसॉल्व भी नहीं होगा और फैट के अंदर भी डिसॉल्व नहीं होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ द विटामिन। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको पॉइंट बता दिया, ध्यान रखना है वाटर सॉल्यूबल नॉट स्टोर इन अवर बॉडी एंड फैट सॉल्यूबल स्टोर इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जितने भी विटामिन्स मैंने अभी आपको ये नेम दिए हैं, ये विटामिन्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है और इनके नेम क्या क्या है एक्चुअल में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, इनके नेम होते क्या है, तो वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में ना इनका नाम आ जाता है, ऐसे नहीं आता विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, ठीक है, इनका नाम आ जाता है और ये पूछ लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से देखना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। देखो बच्चों आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें मैंने यहाँ पर विटामिन लिखे हैं और यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज हो जाती है, मैंने सोर्स में लिखे हैं, सोर्स मैंने आपको बता दिए थे पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ज़ेरोफ्थैलेमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है, देखो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब तो आप सभी को सभी जानते हैं कि रात के अंदर जो है वो अच्छे से दिखता नहीं हमें, इवन अंधेरा होता है तो भी हम ये ज्यूम करते हैं कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, हमें हल्का हल्का दिखता भी है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है, वो होता है रात के टाइम में कुछ भी ना दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ज़ेरोफ्थैलेमिया क्या होता है कि इसमें जो हमारी आईज होती है उसका जो कॉर्निया है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है,
ठीक है, हार्डनेस ऑफ कॉर्निया को आप डिजीज बोलते हो, क्लियर। नेक्स्ट आता है विटामिन बी वन। देखो ए का कुछ नाम नहीं होता, लेकिन बी वन का नाम होता है थायामीन, आपको याद रखना है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज आती है, बेरी बेरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा पूछा जाता है कि विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, आप तुरंत देख के आंसर और टिक मार कर दोगे बेरी बेरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी टू। बी टू का नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, काइलोसिस हो जाता है। ये काइलोसिस क्या होता है, जो हमारे माउथ है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो उनमें क्रैक आ जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। वो हमेशा क्रैक ही रहेंगे, उनमें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती होने लग जाती है, तो उसको आप काइलोसिस बोलते हो। नेक्स्ट आता है विटामिन बी सिक्स। बी सिक्स को हम पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, और पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन है ये क्या होता है, एक्चुअल में काफी लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो हाथ है वो एकदम से अकड़ जाते हैं काम करते करते, या पैर अकड़ जाते हैं, या अकड़ जो अकड़ना है, जकड़न है, ये है क्या, जो हमारी मसल्स होती है ना उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्विकली होता है, ठीक है। एक गैप में नहीं होता, क्विकली होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जकड़न हो जाती है शरीर के अंदर, हाथ पैरों के अंदर, उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। एंड बी ट्वेल्व जो है उसको हम साइनो कोबालामाइन बोल नाम देते हैं इसको, और इसकी डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। एनीमिया आप सभी को पता है क्या होता है, आरबीसी काउंटिंग जो है हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर वो क्या होती है, कम आती है इस डेफिशिएंसी से। तो बी ट्वेल्व आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में होती है, एंड एग आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, ठीक है। क्योंकि आरबीसी काउंटिंग अगर कम हो जाती है हीमोग्लोबिन में, तो हम कहते हैं ना कि ब्लड कम हो गया, एक्चुअल में वो आरबीसी काउंटिंग कम होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो उस डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं एनीमिया, उससे बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट और कराती हूँ। नेक्स्ट बच्चों देखो, जो सिक्स्थ पॉइंट है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है, ठीक है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो इसका नेम आपके सामने लिखा हुआ है, एरिगो कैल्सिफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिकेट्स हो जाता है। ये डिजीज है क्या, वो अभी मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड विटामिन एच जो है उसको बायोटीन नेम दिया जाता है, बायोटीन की डेफिशिएंसी स्किन डिजीज हो जाती है और लॉस ऑफ हेयर। एंड विटामिन जो ई है इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से मस्कुलर वीकनेस आती है, या फिर सेक्सुअल जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एंड विटामिन जो के है इसको हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से जो ब्लड क्लोटिंग की टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इनका मीनिंग क्या है वो देख लो एक बार आप। स्कर्वी का मीनिंग क्या होता है, देखो बच्चों जो गम्स होते हैं ना वो जनरेट हो जाना, जैसे हमारे टीथ के अंदर गम्स बन जाते हैं, ब्लीडिंग के जो गम्स होते हैं उनको हम स्कर्वी बोलते हैं, ठीक है। और अगर रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स क्या होता है, देखो विटामिन डी काफी बार ऐसे कहते हैं ना कि इसमें विटामिन डी की कमी आ गई, आप तो धूप लिया करो, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे बोन्स होती है ना वो क्या होने लग जाती है, उसमें अगर हम कहें थोड़ी पतली होती चली जाती है, ठीक है, उसमें वीकनेस आती चली जाती है, या हम कहें वो थोड़ी सॉफ्ट होती हुई चली जाती है, ठीक है। तो बोन्स में जो क्रैकिंग होती है, या फिर हम ये कहें वीकनेस होती है या सॉफ्टनिंग होती है, उस डिजीज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स, ठीक है। स्किन डिजीज, स्किन से बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे एलर्जेटिक फॉर्म हो जाती है, स्किन बर्न करने लग जाती है, तो वो विटामिन एच की डेफिशिएंसी से होती है। और लॉस ऑफ हेयर, हेयर जो है काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि उनमें कम उम्र में ही उनके बाल इतने गिरने लग जाते हैं कि थोड़ा गंजा होना शुरू हो जाता होगा, है ना, तो उसको हम लॉस ऑफ हेयर बोल सकते हैं। मस्कुलर वीकनेस, हमारी जो मसल्स है अगर हम कुछ भी चीज उठाते हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, मतलब हमसे ना चीज कोई उठती है, ना हम बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, हमारी जो मसल्स है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, यानी कि जो बर्थ की जो पावर है बच्चों को जन्म देना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है ब्लड क्लोटिंग जो है, आप ये कहते हैं कि हमारे कहीं भी लगी, थोड़ी देर बाद वो जो ब्लड बहना फ्लो करना वो रुक जाता है, किस वजह से, क्योंकि ब्लड क्लोट बन जाता है ना, तो वो ब्लड क्लोट जो है वो कई लोगों के तुरंत नहीं बनता है, उसमें टाइमिंग लग जाती है ब्लड क्लोट बनने में, यानी कि खून बहुत ज्यादा देर तक बहता रहता है, तो
तो ब्लड फ्लो ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो आपको पता है कि ब्लड की भी कमी हो जाएगी हमारी शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। तो ब्लड क्लोट जो है वो तुरंत बनना चाहिए, लेकिन अगर उसमें टाइमिंग लग रही है तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये था। मैंने आपको सारे मीनिंग समझा दिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विटामिन वाला पोर्शन बहुत ही छोटा है, आपके पास जो एंजाइम वाला पोर्शन आएगा वो भी बहुत छोटा है, हार्मोन वाला पोर्शन भी छोटा ही है। इसमें आपको खुद थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा जो समझाने का होगा वो मैं समझा दूंगी। ठीक है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड थोड़ा सा लार्ज है, वो आप अच्छे से कर लेना, तो मैं आपको करवा दूंगी वो कवर। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।